हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो एक छोटा सा वीडियो छोटी सी जानकारी के साथ, आप रेलवे ट्रैक्स में ये वाला गैप तो जरूर देखा होगा। तो आपको पता है रेलवे ट्रैक्स में गैप क्यों रहता है? नहीं पता है, मैं आपको बता दूं। रेलवे ट्रैक के बीच में गैप इसलिए रहता है, जब गर्मियों में रेल पटरी है वो फैलती है, क्योंकि लोहा है, जब गर्मियों में गर्म हो जाएगा तो फैलता है। तो एक गैप इसलिए रखा जाता है, फेल से ये एडजस्ट हो जाता है, फैलेगी तो एडजस्ट हो। देखा होगा आपने, ये देखो इसमें थोड़ा सा देख रहे होंगे आप, ये जो गैप है एडजस्ट होता है, ऐसे फैलती है तो एडजस्ट हो जाता है। तो उससे क्या, पटरियां फैलेगी नहीं। अगर ये गर्मी में फैल जाएगी तो रेल गिर जाएगी और डिरेलमेंट हो जाएगा, मतलब जो इसके पहिए हैं वो इससे नीचे उतर जाएंगे तो डिरेलमेंट हो जाएगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए रेलवे ने दिमाग लगाया कि इसमें थोड़ा सा गैप रखता है। लेकिन आजकल आपने ये बहुत कम देखने को मिलेगा, धीरे धीरे रेलवे इस गैप को हटा रही है। इसका कारण यह है क्योंकि जब इसमें रेल्स चलती है तो उसमें साउंड आता है, कुछ इस तरह का खट 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 करके साउंड आता है। तो साउंड आता है वो डिस्टर्ब करता है, प्लस अगर इसमें गैप ज़्यादा हो गया तो ये डैमेज भी कर सकती है रेल के पहियों को। तो रेलवे ने इसको हटाने के लिए एक दिमाग लगाया है और कुछ नई टेक्नोलॉजी यूज की है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इसको वेल्डिंग भी किया जाता है। और जो टेक्नोलॉजी, उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दो पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए से वेल्डिंग भी की जाती है, और ये वेल्डिंग से बहुत अच्छी तरह से की जाती है। लेकिन सर्दियों में क्या होती है, बहुत सर्दी पड़ती है तो ये वेल्डिंग टूट जाती है, क्योंकि पटरियाँ सिकुड़ जाती है, क्योंकि जो गर्मियों में तो पटरियाँ फैलती है तो इधर उधर फैल सकती है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, पटरियाँ सिकुड़ती है तो वेल्डिंग टूट भी सकती है। अगर टूटती है तो उसके लिए भी रेलवे ने नाइट में चलाते हैं ट्रैकमैन को, जिसको नाइट पेट्रोलिंग बोलते हैं, उनको चेक करते रहते हैं कि कहीं वेल्डिंग टूट तो ना गई हो ज़्यादा सर्दी में। तो सर्दी के टाइम में नाइट पेट्रोलिंग भी होती है चेक करने के लिए। अब मैं आपको बता रहा था जो नई टेक्नोलॉजी है जिसने वो गैप को लगभग हटा दिया गया है हर जगह से, वो ये तरह की है, इस तरह की है। रेलवे ने दिमाग लगाया है, जो दो गैप था रेल की पटरियों में उसको इस तरह से हटाया है, देख पा रहे होंगे आप। इस गैप से जो रेल की पटरी में जो गैप है वो भी एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फैलेगी तो ये आपस में दोनों फैल के इसे निकल जाएगी, और अगर सिकुड़ती है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, सिकुड़ सकती है। तो इससे एक तो जो साउंड आता था बहुत हेवी वाला वो भी कम हो गया, वो भी नहीं आता है, और जो जो उसके फैलने की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई, क्योंकि साउंड की वजह से बहुत सी बार रेल के व्हील्स डैमेज हो जाते हैं। क्या मस्त दिमाग लगाया है। छोटा सा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।